सकरदरा थाना क्षेत्र के दत्तात्रेय नगर परिसर में डबल मर्डर का मामला आया सामने। हिंगरघाट का मामला अब थमा ही नहीं था कि शहर में बुधवार को डबल मर्डर की घटना सामने आई है। शहर के सकरदरा थाना क्षेत्र के दत्तात्रेय नगर परिसर में एक ही घर से दो बॉडी मिलने से परिसर में खलबली मच गई है। मृतकों का नाम मंजुषा जयंतराव नाटेकर और अशोक काटे बताया जा रहा है। ये दोनों रिश्ते में मामा भांजे लगते हैं। मनीषा नाटेकर शहर के एक प्राथमिक स्कूल में मुख्य अध्यापिका है और जवाहर नगर निवासी अशोक काटे कुछ दिन के लिए मनीषा के घर रहने आए थे। मनीषा के पति बीते दो दिनों से गुमशुदा है। लड़का पुणे में नौकरी करता है और उसकी शादी हो गई है। मनीषा रविवार से स्कूल भी नहीं गई थी। मनीषा को आखिरी बार उसके नेबर्स ने सोमवार को देखा था। स्कूल की ओर से मनीषा के साथ फोन पर संपर्क किया जा रहा था मगर मनीषा फोन नहीं उठा रही थी। दो दिन बाद आखिरकार स्कूल की ओर से मनीषा के भाई राजीव रनांगर ने संपर्क कर जानकारी दी गई। राजीव जब घर पर पहुंचा तो घर पर ताला लगा था। उसके पास घर की दूसरी चाबी थी। तभी उसने घर का दरवाजा खोला तो पहले रूम में मामा अशोक काटे की बॉडी तो अंदर के रूम में मनीषा की बॉडी पड़ी थी। राजीव ने तुरंत ही सकरदरा पुलिस को मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा कर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस से मिली जानकारी पर इस घटना को दो दिन पहले ही अंजाम दिया गया है। दोनों के शरीर पर किसी हत्या से वार करने के भी घाव दिखाई दे रहे हैं। दत्तात्रेय नगर गार्डन जवळ चा स्पॉट आहे। या अपार्टमेंटमध्ये आज दोन बॉडी मिळालेले आहेत, त्यामध्ये एक महिलेची बॉडी आणि एक वृद्ध आहे। भूमगली हल्लीचं जे नाव आहे ते मंजुषा नाटेकर म्हणून आहे। जे वृद्ध आहे ते अशोक रामकृष्ण काटे म्हणून आहेत। त्यांच्या दोन बॉड्या मिळाल्या आहेत, त्यांना मेडिकलला पाठवलेले आहेत। सर्वसाधारण त्यांच्या गळ्यावरती वगैरे खुणा दिसून येत आहेत। पीएम वगैरे झाल्यानंतरच त्याच्या मृत्यूचं निश्चित कारण कळून येईल। प्रथमदर्शनी हा खुणाचाच प्रकार वाटत आहे। त्या दृष्टीने आम्ही आता जी महिला त्यांच्या भावानं आपल्याला कळवल्याप्रमाणे आपण इथं स्पॉट आलो होतो। आता त्यांची फिर्याद घेऊन त्याप्रमाणे आपण गुन्हा दाखल करीत आहे आणि पुढील तपास करीत आहे। पोलीस ने आगे जानकारी दी की मृतक मंजुषा के भाई ने बताया है की मंजुषा और उसके पति के बीच में हमेशा ही झगड़े होते थे। दो दिन पहले भी दोनों में झगड़ा हुआ और पति घर से निकल गया। मंजुषा का पति भी दो दिनों से लापता है और इस वारदात को अंजाम भी दो दिन पहले ही दिया गया है। इसी वजह से पुलिस ने आशंका जताई है कि इसके पीछे मंजुषा के पति का हाथ हो सकता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।